हेलो एवरीवन सीपीसीटी सितंबर 2022 के लिए एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हो गए हैं लेकिन सीपीसीटी जुलाई का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो रिजल्ट से जुड़ी हुई एक अपडेट आई है सीपीसीटी की वेबसाइट पर रिजल्ट फॉर द सीपीसीटी हेल्ड ऑन 30 एंड 31 जुलाई 2022 थाउजेंड इज इन प्रोसेस ड्यू टू विच द कैंडिडेट लॉग रजिस्ट्रेशन एंड स्कोर कार्ड फैसिलिटी ऑन CPCT पी सी टी पोर्टल विल नॉट बी अवेलेबल ऑन 28 अगस्त 2022, थाउजेंड अगस्त दो को सी पी सी टी का पोर्टल अवेलेबल नहीं रहेगा सात बजे से एक बजे तक 7 ए एम टू वन पी एम इसका मतलब जुलाई सी पी सी टी का रिजल्ट प्रोसेस में है इस पर काम चल रहा है इसके कारण कैंडिडेट लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और स्कोर कार्ड वेरिफिकेशन अवेलेबल नहीं होगा 28 अगस्त को 7 ए एम से 1 पी एम तक तो जो कैंडिडेट सितंबर 2022 के लिए सी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो 28 अगस्त को फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे सात से एक बजे तक ना ही कैंडिडेट लॉगिन होगा ना ही रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही स्कोर कार्ड वेरीफाई होगा क्योंकि इतने टाइम के लिए सी के रिज़ल्ट पर काम किया जाएगा प्रोसेस में होगा इसीलिए और दूसरा कुछ काम नहीं होगा और एक बजे के बाद सी पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा तो एक बजे के बाद आप सी पी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त 2022 तो इस अपडेट से यह कंक्लूज़न निकलता है कि 28 अगस्त को एक बजे के बाद सी का रिज़ल्ट डल्र किया जा सकता है जुलाई 2022 का क्योंकि सी जुलाई का रिजल्ट अभी तक आ जाना चाहिए था बहुत लेट हो चुका है नए फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं लेकिन पुराने का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है इसीलिए रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग के कारण ही सी पोर्टल कुछ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा और जब अवेलेबल होगा 1 पीएम के बाद तो इस बात की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि सी जुलाई का रिजल्ट भी अवेलेबल हो जाएगा तो 28 को जुलाई सी का रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं तो जैसे ही सी का रिजल्ट आएगा आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा थैंक यू